स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स तक, और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं विक्रांत गुप्ता, गुड इवनिंग। मेरे साथ मदन जी स्टूडियो में है, लेकिन मैं आपको सीधा हैदराबाद लेकर चलता हूं, क्योंकि वहां पर एक्शन है। दरअसल दो तरह का एक्शन है, एक भारत ने आज प्रैक्टिस की है परसों शुरू होने वाले टेस्ट मैच के लिए, लेकिन फिलहाल 7 बजे वो मीटिंग शुरू हो गई जिसके बारे में हमने आपको कल बताया था। इसे आप पोस्टमार्टम कहें, रिव्यू कहें, मतभेद सुलझाने के लिए मीटिंग कहें, या भविष्य को अच्छा बनाने के लिए मीटिंग कहें, फिलहाल टीम इंडिया के स्टेक होल्डर्स, कप्तान विराट कोहली, टेस्ट उप कप्तान अजिंक्य रहाणे, वनडे उप कप्तान रोहित शर्मा, कोच रवि शास्त्री, सामने होंगे चीफ सिलेक्टर MSK प्रसाद, और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटर्स विनोद राय साहब भी पहुंच गए हैं। हालांकि ये बड़ा सवाल जरूर है कि जो क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी बनाई गई थी वो क्या खत्म कर दी गई है, क्योंकि उनको तो बुलाया नहीं गया। और अगर क्रिकेट पर फैसले लेने हैं तो तेंदुलकर, सौरव गांगुली और VVS लक्ष्मण के बिना एडमिनिस्ट्रेटर्स कैसे ले लेंगे पता नहीं। और यही सवाल आज हम उठा रहे हैं कि क्या कुछ होगा भी या लीपअप होती होगी। खबरें जो छन छन कर आ रही हैं वो ये है, एक इंग्लैंड दौरे में हार से ये स्टेक होल्डर्स बिखर गए हैं। अब जो सिलेक्टर हैं और टीम मैनेजमेंट है वो अलग अलग बात करते हैं। सिलेक्टर्स कहते हैं कि टीम मैनेजमेंट हमारे चुने खिलाड़ियों को नहीं खिलाती, और टीम मैनेजमेंट कह रही है कि हमें अच्छे खिलाड़ी नहीं दिए जाते। खासतौर से कहा जा रहा है कि MSK प्रसाद इस बात से खुश नहीं थे कि एशिया कप में आखिरी लीग मैच में भारत ने 5-5 खिलाड़ियों को आराम करा महेंद्र सिंह धोनी से कप्तानी कराई थी। कई और मुद्दे हैं, मुद्दे ये भी हैं कि ऑस्ट्रेलिया की तैयारी कैसी की जाए, ऑस्ट्रेलिया की तैयारी कैसी की जाए, क्योंकि इंग्लैंड में हार के बाद से किरकिरी बहुत हुई, खास तौर से जिस तरह से भारत ने प्रैक्टिस नहीं की, प्रैक्टिस मैच छोड़ दिए। अब टीम कहती है कि हमें ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा से ज्यादा अभ्यास मैच चाहिए। तो तमाम तरह के सवाल हैं, बस यही है कि इस पर लिपअप होती ना हो जाए, इस पर बैंडेड ना लगा दी जाए, क्योंकि जब तक सवालों के जवाब नहीं ढूंढे जाएंगे मदन जी, तब तक फिर आप वहीं के वहीं खड़े रहोगे। हाँ बिल्कुल, ये ना हो कि आपने कॉफ़ी मंगाई, चाय बनाई और डिस्कशन थोड़ा सा डिस्कस किया, उसके बाद मीटिंग रद्द कर दी, ये गलत बात है। क्योंकि हर टूर के बाद मेरे विचार में एनालाइज होना चाहिए कि क्या कहाँ हम गलत गए हैं और कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। बाकी कम्युनिकेशन जो है वो बड़ा जरूरी है, कम्युनिकेशन तो टूटा हुआ है फिलहाल, ये तो सच है, ये बड़ा खिलाड़ी और टीम मैनेजमेंट के बीच कम्युनिकेशन टूटा हुआ है, टूटा हुआ है। पर आप बड़े लकी हैं कि आपके पास प्लेयर ऐसे हैं जो कि आपको जिता सकते हैं, अभी भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, बाकी देखिए ये जो बात रही इनकी आपस में, जो ये बैठ के मुद्दे सुलझा लेने चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपको जो गिले शिकवे है, ऐसा नहीं है कि कोई चीज सुलझती नहीं है, आप क्रॉस द टेबल बैठिए, थ्रैश आउट कर दीजिए जो आपको चाहिए, या आपके जो प्लेयर टू प्लेयर भी, अगर सिलेक्टर का भी कोई मुद्दा ऐसा है तो आप बोलिए। बोलने से क्या होता है कि एक तो एक दूसरे की नजर में आप अच्छे ठीक हो जाता है, आप रिलैक्स कर जाते हैं, और एक पॉजिटिव जो है वो आगे चले, चल आप बढ़ना शुरू कर। बात वही है ना कि मतभेद तो सुलझाए जा सकते हैं, जहां पर मन भेद हो जाए ना वहां बड़ी दिक्कत आती है। पता नहीं ये मतभेद है या मनभेद है, ये समझ नहीं आ रहा। लेकिन हकीकत ये भी है कि क्रिकेट के मुद्दों पर बातचीत होनी है, लेकिन BCCI ने या तो पुरानी क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी को डस्टबिन में फेंक दिया है, जिसमें गांगुली, तेंदुलकर और VVS लक्ष्मण थे, और अगली कमेटी बनाई नहीं, या फिर वो अभी भी है, कागजों पर है, लेकिन उन्हें यहां नहीं बुलाया गया, क्योंकि अगर क्रिकेटर क्रिकेटर की बात सुनेगा तो शायद फैसला कुछ और ही रास्ते पर चला जाएगा। ये सही है, प्रॉब्लम सुनो, एडमिनिस्ट्रेटर्स जिन्होंने क्रिकेट चलानी नहीं है वही आगे का फैसला भी लेंगे। लेकिन सीधा मैं अब आपको लेकर चलता हूं वनडे क्रिकेट की तरफ। टेस्ट मैच तो आना है, लेकिन कल भारत की वनडे टीम चुनी जानी है। वनडे में आप 5 मैच खेलेंगे, फिर 3 T20 खेलेंगे, तो कल चयनकर्ता बैठेंगे। हालांकि पहले यह खबर आई थी कि वेस्ट इंडीज की कमजोर टीम को देखते हुए शायद विराट कोहली को आराम दिया जा सकता है, लेकिन विराट कोहली लगता तो नहीं है कि आराम चाहेंगे। अभी रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत एशिया कप जीत कर आया है, और जो भी है, अब बार बार अब अगर आराम ही उनको मिलता रहेगा तो फिर थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। बड़ा सवाल ये भी है कि क्या ऋषभ पंत इस टीम में होंगे, या उन्हें बार बार जैसे हमेशा वनडे में इग्नोर किया जा रहा है, यहाँ पर इग्नोर ही किया जाता रहेगा। देखिए, पहले जो आपने कहा कि विराट कोहली को रेस्ट मिलना चाहिए या देंगे या नहीं देंगे, पर मेरे विचार में विराट कोहली का रेस्ट हो चुका हुआ है। बिल्कुल, तो उनको खेलना चाहिए जैसे मर्जी टीम हो सामने, जैसे टीम है, क्योंकि देखिए रन तो रन ही होते हैं, और आपको वनडे क्रिकेट में रन बनाने भी पड़ते हैं। ये भी नहीं ना कि आप हमेशा स्टैंड इन कप्तान को देते रहे मैच जीतने के लिए, आप जीते ना,
वो पता लग गया एशिया कप में, सही बात है। और दूसरा आपने ऋषभ पंत की बात की, मेरे विचार में उसको चांस मिलना चाहिए वनडे क्रिकेट में एज बैट्समैन, है एज बैट्समैन, एज ए बैट्समैन, क्योंकि देखिए एमएस धोनी का ना जो रुतबा है जो बैटिंग का जिसको हम जानते हैं वो आसा ऐसा ऐसा कहते हैं खत्म होता चला जा रहा है, तो हमें अभी इतनी छोटी नहीं है एमएस धोनी के ऊपर कि क्या वही धोनी जो है अपनी परफॉर्म करेंगे जैसे वो करते आए। कम से कम ऋषभ पंत दो दो पंत हो गए ना, एक का कि एक एक आप उनको कर रहे हैं तैयार एक बल्लेबाज के तौर पर, कल को खुदा ना खास्ता अगर 2% जरूरत पड़ जाए धोनी के विकल्प के तौर पर भी तैयार हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल तैयार हो सकते हैं, और देखिए उसको प्रैक्टिस कराइए, उसको जो उसकी जो कमजोरियां हैं उसके ऊपर जरा ज्यादा ध्यान दीजिए, जो कोचेज हैं उन वो किस लिए होते हैं, इसलिए होते हैं कि जो कमजोरी है उसको बार बार भाई आधा घंटा या 45 मिनट्स आपने करनी है, टर्निंग ट्रैप पे करना है या वैसे कर, क्योंकि एक आपके पास ऐसा प्लेयर है जो आपको मैच जिता सकता है, कई कोई कह रहा था कि नंबर 5 और 6 के ऊपर ये क्या मैच को निकाल सको, कि ये एक ऐसा बैट्समैन है आपको अगर 170 है अगर चल गया तो ये 270 भाई, सही बात है। मुझे तो अब तक हैरानी होती है कि वहां पर टेस्ट क्रिकेट में 100 फिर ये 92 बावजूद इसके ऋषभ पंत कितनी देर वनडे क्रिकेट से बाहर रहेंगे। लेकिन एक बात सही है, अगर आप ऋषभ पंत को एक बल्लेबाज के तौर पर मौका देते हैं तो हो सकता है दिनेश कार्तिक की कुर्बानी करनी पड़े, क्योंकि जो मध्यक्रम में आप कई सारे बल्लेबाजों को ट्राई कर रहे हैं उनमें से किसी न किसी को बाहर भी निकालना होगा ना, अगर ऋषभ पंत को अंदर आना, हो सकता है मनीष पांडे बाहर जाए, ऐसे में दिनेश कार्तिक पर भी एक सवाल रहेगा। अब वापस आ जाते हैं टेस्ट क्रिकेट पर, क्योंकि हैदराबाद में परसों से ये टेस्ट मैच शुरू होना है और आज दोनों टीमों ने अभ्यास किया। सवाल ये पूछा गया कि क्या भारत टेस्ट मैच में कुछ बदलाव करना चाहेगा, इस खिलाड़ी को भी देख लो उस खिलाड़ी को भी देख लो, तो जवाब ये आया कि हमारे सामने सारे दरवाजे खुले। आप करेंगे कुछ बदलाव? देखिए बुलाव करने कहाँ करेंगे आप, ऊपर तो देखिए उसने एक मैच में खेला है। नहीं, एक थ्योरी ये है कि मयंक अग्रवाल को भी खिला लो, अगर आपने ऑस्ट्रेलिया लेकर जाओ एक जगह तीनों खिला लो, वो कह रहे तीनों खिला दो एक ही जगह, फिर पुजारा को रेस्ट कराना पड़ेगा नंबर 3 पे, तो पुजारा रेस्ट क्यों मांगेंगे, वो कहेंगे मांगेंगे नहीं, देखिए आप खिलाना चाह रहे हैं अगर उनको एक्सपोज करना चाह रहे हैं तो फिर आप खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे, आप मयंक अग्रवाल को खिलाएंगे तीसरा सलामी बल्लेबाज भी खिला दूं या आप नहीं खिलाएंगे, आपकी सोच क्या है? नहीं मुश्किल है क्योंकि आप नहीं, नहीं मुश्किल है क्योंकि ऊपर खिलाना मुश्किल है क्योंकि उनके स्लॉट जो है जहाँ पे वो सेलेक्ट हुए हैं, नंबर 3 तो मैं इसलिए कह रहा था कि अगर आपने एक्सपोज नया बॉल वाला 3 नहीं पे तो पुजारा का भी नहीं बनता, बिल्कुल हाँ वो टच कर रेगुलर खेल रहे हैं और उसमें वनडे क्रिकेट का उनका गैप भी आएगा बीच में, तो वो तो खेलेंगे उसके बाद आप कौन सी जगह पे उनको किसी उसको खिला सकते हैं। 4 नंबर विराट का है, 5 जिंके रहने का, रहने को तो खेलना है, जिंके रहने की मैं तो समझता हूँ कि उसकी पोजीशन खतरे में है। देखिए जो ठीक है हम जानते हैं कि जिंके रहने बड़ा टॉप का, पर कहीं ना कहीं जाके आपको बड़े रन बनाने पड़ते हैं, बहुत देर हो चुकी है उनको, वाइस कैप्टन वाइस फिर क्या हुआ वाइस कैप्टन है, तो इसका कोई परफॉर्मेंस तो देनी पड़ेगी ना आपको, आपको ये जरूरी है आपके लिए कि बड़ी इनिंग खेलना, अगर हम कहते रहे भी टैलेंटेड है टेक्निकली साउंड है पर एंड ऑफ द डे परफॉर्मेंस तो चाहिए, 100 तो चाहिए, रहाने को 100 चाहिए, रहाने को चाहिए एक बड़ा 100, मतलब खुद के लिए भी और टीम के लिए भी, क्योंकि टीम में भी देखिए जो मर्जी है खिलाड़ी जितना मर्जी बड़ा हो जाए जब रन नहीं बनते ना, आप ड्रॉप ना भी हो कोई बात नहीं लेकिन वो ड्रेसिंग रूम में रिस्पेक्ट रनों से आती है, बड़ी पारियों से आती है, और रहाने बड़े प्लेयर हैं उनको यहां पर एक बड़ा 100 चाहिए। खैर आज का एजेंडा क्या है हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर, हम बात कर रहे हैं वनडे टीम की सिलेक्शन की, कल टीम चुनी जानी है, मदन जी अपनी टीम चुनेंगे, आप भी अपनी टीम चुनिए, फटाफट सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को YouTube पर जाकर, 8 बजे आज का एजेंडा है, आपके सवाल, आपकी क्या टीम है, क्या आप विराट को आराम देना चाहते हैं, ऋषभ पंत के बारे में क्या सोच रहे हैं, कोई ऐसा खिलाड़ी जिसे आपको लगता है कि वनडे टीम में रखना चाहिए, ये सब सवाल उठाए जाएंगे, आपको YouTube पर जाकर स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना है।